Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. आज हम पढ़ेंगे जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है COP28 दुबई में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पर पूरी दुनिया से अलग अलग कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स आए और डिस्कशंस हुए कि क्लाइमेट चेंज को कैसे लिमिट करना है. तो उसके क्या आउटकम्स थे, क्या वो सक्सेसफुल है, क्या उन्होंने जो क्लेम किया है वो सही डायरेक्शन में है नहीं, तो इन सब के चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, तो अगर आप उससे पहले अगर आप IBPS PO इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, तो प्रैक्टिस मॉक ने अभी लॉन्च किया है IBPS PO 2023 इंटरव्यू कोर्स. इट इंक्लूड्स 2 मॉक इंटरव्यूज, फर्स्ट विद PM एक्सपर्ट्स एंड द सेकंड मॉक इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ IBPS. और आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, प्रोफाइल डिस्कशन होंगे, ठीक है. एंड जो है जो भी आप आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, वो क्लियर किए जाएंगे. तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं. और अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस मॉक को ऑफलाइन जो है इंटरव्यू कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं, उस वो परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे दिल्ली NCR ऑफिस में आकर इंटरव्यू दे सकते हैं. तो उसके साथ साथ 20 से ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो सेशंस हैं, रिकॉर्डेड हैं, लाइव हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो इंटरव्यू की. एंड कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो उसके लिए पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन से टेलीग्राम पर. ये कोर्स प्राइस है 2999 पर, बट यू कैन गेट अ 20% डिस्काउंट एंड अवेल इट एट 2399 ओनली. ओके, आपको इंटरव्यू कोड यूज़ करना है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है INTERVIEW20. ओके, हमने PM प्रैक्टिस प्रो भी लॉन्च किया. अगर आप मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं और आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के मॉक्स जो है वो चाहिए, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, आपको उनको उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तो वो सभी इंक्लूडेड है इसमें. यानी कि इसमें 5000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है और PM बैंकिंग PDF कोर्स भी है जिसमें 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. तो जो है आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और अगर आप मल्टीपल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम टारगेट करें तो इसके उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं ताकि जो है आप अपनी मिस्टेक्स जो है वो ढूंढ पाएँ, एंड आप जो मॉक टेस्ट देंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस भी कंपेयर कर सकते हैं बाकी एस्पिरेंट्स से. तो दिस कोर्स इज प्राइस एट 1249, बट यू कैन यूज़ PM20 कूपन कोड एंड गेट इट एट 999 ओनली. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. जो हमारा आज का एडिटोरियल वो है कीपिंग इट रेलेवेंट. रेलेवेंट होता है कि जो हम जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसी से रिलेटेड रहे, हम उससे भटके ना. तो कीपिंग इट रेलेवेंट, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिस्कशंस हैं उसी पर ही फोकस रहना चाहिए, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए. ये है टाइटल से हमें ये पता चलता है. तो आपको क्विकली रीड करना है एडिटोरियल, ठीक है. अब कुछ वर्ड्स आएंगे जो थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, कोई नहीं, आप कोई बात नहीं, आप उसको बस रीड कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है. फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप वो एक बार दोबारा रिवाइज़ करोगे. तो इसी प्रोसेस के साथ ही आप सीखते हो. ऐसा नहीं होता कि आप एक साथ एक मतलब 100 वर्ड्स आपने लिखे, उसके मीनिंग लिख लिए और याद हो जाएंगे. नहीं, ये प्रोसेस रिपीट होती है, इसलिए हम डेली ये सीरीज चलाते हैं कि आप डेली उन वर्ड्स को देखोगे, आपको कुछ याद आएगा, ठीक है. मे बी आप करेक्टली उसका मीनिंग गेस कर पाओगे, मे बी नहीं, भूल गए होगे, हो सकता है कुछ गलत याद आए, लेकिन हर बार जब वो करेक्ट होता जाएगा, हर बार जब आप देखोगे कि इसका मीनिंग ये है, बार बार जब वो वर्ड्स आएंगे तो फिर एक महीने में, कुछ वीक्स में वो आपको याद होने लग जाएंगे, और फिर इस तरह याद होंगे कि आप भूलेंगे नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है. तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये इसी तरीके से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है. तो आपको क्विकली रीड करना है पैसेज, सेशन को पॉज करके पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, 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 ठीक है. सो आई होप आपने द हिंदू का एडिटोरियल रीड कर लिया है, ठीक है. आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस बारे में है पैसेज, और उसमें एक वर्ड है ऑब्सक्योरिटी, वो हाइलाइटेड है, और उसका हमें सिमिलर मीनिंग जो है क्लोजेस्ट वर्ड इन पांचों वर्ड्स में से कौन सा है,
वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो लिम्बो, एनोमली, लेवी, डिप्रेविटी एंड एट्रोसिटी. तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट है ऑब्स्क्योरिटी के, आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए. हम पैसेज डिस्कस करने के बाद इसका आंसर देखेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन. सिंस 1995 व्हेन द फर्स्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज ऑर्गेनाइज्ड, इट हैज अंडरगोन अ रिमार्केबल शिफ्ट इन कैरेक्टर. तो पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हम सुनते आ रहे हैं कि इसी ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, यहाँ पर हो रही है, तो ये शुरू कब हुई थी? 1995 में शुरू हुई थी, जब पहली बार ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम COP से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो वो पहली बार ऑर्गेनाइज की थी. उसके बाद से सिंस यूज़ किया है हमने, एक स्पेसिफिक ईयर मेंशन है, हम वहाँ उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं. सिंस दिस ईयर, सिंस दिस मंथ, ठीक है, सिंस 10 AM, तो हम ये यूज़ करते हैं. तो सिंस हमने यूज़ किया कि तब से, जब से ये पहली बार ऑर्गेनाइज की थी, इट हैज़ अंडरगॉन अ रिमार्केबल शिफ्ट. तो जो टाइम के साथ इसमें, इस ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो है अंडरगॉन अ रिमार्केबल शिफ्ट, यानी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है. ठीक है, रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है कोई चीज़ जिस पे आपका ध्यान जाए, इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया है, काफ़ी बदलाव आया है इस जो इसका कैरेक्टर, जिस तरह ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं. तो ओके, तो अब नेक्स्ट है, फ्रॉम स्टफी क्लोज डोर मीटिंग्स पीपल बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रैट्स, दे हैव मॉव्ड इनटू अ कार्निवल. तो क्या बदलाव आया है, अगले ही सेंटेंस में हमें उसका आंसर मिलता है. पहले क्या होता था, फ्रॉम स्टफी क्लोज डोर मीटिंग्स. स्टफी हम कहेंगे अगर एक रूम है, चारों तरफ से बंद है, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो क्या होता है, घुटन होने लगती है. तो हम कहते हैं वो रूम स्टफी है. ओके, आप ये वर्ड यूज़ करोगे, स्टफी, वेंटिलेशन नहीं हो रहा. तो एक तो वो, तो उस तरीके से स्टफी क्लोज डोर मीटिंग्स, तो इस तरह की मीटिंग्स होती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर से लोग नहीं आते थे. ठीक है, और क्लोज डोर मीटिंग्स होती थी कैमरे के, जो कैमरे से दूर एक कहीं पर ब्यूरोक्रेट्स मिलते थे और वहाँ पर मीटिंग होती थी. तो पीपल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स. अब यहाँ पर आप देखो, पीपल तो एक नाउन होता है ना, बट पीपल को आप एक वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो. पीपल समथिंग मतलब कि वहाँ पर लोग जाकर रहने लगे. अगर यहाँ पर आप मीटिंग को पीपल करने की बात कर रहे हैं, मतलब कि उस मीटिंग में कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी बात हो रही है. सो पीपल्ड बाय, जो मीटिंग्स थी उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे कौन कौन थे, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जो अधिकारी होते हैं. ठीक है, एंड टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स टेक्नोलॉजी से आप समझ सकते हो कि जो स्किल्ड, बहुत स्किल्ड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपने डोमेन में, टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी जिनके पास नॉलेज होती है. सो दे हैव मॉव्ड इनटू अ कार्निवल. अब ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है, देखो, फ्रॉम स्टफी क्लोज डोर मीटिंग्स पीपल बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स. तो ये फ्रॉम के बाद, ये तो पहले बताया था कैसी होती थी पहले, ठीक है, कॉमा, और अब दे, तो ये मीटिंग्स की बात हो रही है, दे हैव मॉव्ड. अब ये मॉव इनटू का मतलब क्या होता है, मॉफ होते हैं बदलाव आना, किसी चीज़ में बदल जाना समय के साथ धीरे धीरे. सो दे हैव मॉव्ड इनटू, और आप ये इनटू ही यूज़ करोगे इसके साथ प्रीपोजिशन में, दे हैव मॉव्ड टू नहीं होगा, मॉव्ड इनटू होता है. तो मॉफ इनटू कि समय के साथ कैरेक्टर बदलता गया, ठीक है, चेंजेस आते गए और अब ये कुछ और ही बन गए. पहले ये क्लोज डोर मीटिंग्स होती थी जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स होते थे, अब ये क्या बन गया, अब ये कार्निवल बन गया. कार्निवल एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, और एक तरीके से एक फेस्टिवल की तरह अब ये जो है COP अब हो गया है. तो ये फ़र्क आया है पहले से और अब में. ऑफिशियल डर्म हैज़ ऑफ कोर्स ग्रोन. ऑफिशियल डर्म आप इस तरह समझ सकते हो कि और ज़्यादा जो है ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर. हैज़ ऑफ कोर्स ग्रोन विद द UN क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट बर्स्टिंग एट द सीम्स. अब इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स बढ़ गए, हर कंट्री से इतने अधिकारी आने लगे कि जो UN क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट जहाँ एक ऑफिशियल बिल्डिंग होती है, ठीक है, तो जो UN का क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट है वो क्या हो रहा है वहाँ पे, इस फ्रेज का मतलब क्या है, बर्स्टिंग एट द सीम्स. सीम होता है जहाँ पर जो है दो अलग अलग पार्ट्स जो है वो सिले होते हैं. जैसे अगर आप क्रिकेट बॉल की बात करें तो सीम क्या होता है, जहाँ पर जो उसके दो हाफ हैं वो सिले गए होते हैं, ठीक है, सीम. तो बर्स्टिंग एट द सीम्स मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा या तो कोई सब्सटेंस है कि वो जो है ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ अबाउट टू बर्स्ट, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है. अब यहाँ पर अगर हम सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं कि अब सेक्रेटेरिएट जो है वो बर्स्ट होने वाला, इतने लोग हैं वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, दैट इट इज़ बर्स्टिंग एट द सीम्स,
यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत क्राउडेड हो गए हैं वो सेक्रेटेरिएट, एंड विद रीम्स ऑफ सब्सिडियरी बॉडीज. रीम जो है पेपर के लिए यूज़ होते हैं, पेपर रीम्स होती हैं, यानी कि अब रीम क्या होता है, बहुत सारे पेपर की शीट्स एक साथ, उसको हम रीम कहते हैं. तो वो यहाँ पर यूज़ किया गया है सब्सिडियरी बॉडीज़ के लिए. सब्सिडियरी होती है जो सेकेंडरी बॉडीज़ हैं, यानी कि पहले मेन सिर्फ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता था, पर अब फिर बहुत सारे अलग अलग और बॉडीज़ और ग्रुप्स बन गए हैं, तो इसलिए बहुत सारे जो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हैं वो बढ़ गए हैं. ठीक है, तो वर्किंग ग्रुप्स, तो यहाँ पे एक तो सब्सिडियरी बॉडीज़ बढ़ गई, वर्किंग ग्रुप्स और ऐड हो गए, इंट्रीकेटली कॉन्वोल्यूटेड एजेंडा आइटम्स. और अब क्या हो गया है कि अब जो एजेंडा एजेंडा हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी मीटिंग होती है तो पहले डिसाइडेड होता है कि किन चीज़ों पर डिस्कशंस होगी, उन्हें हम कहते हैं मीटिंग का एजेंडा. तो जो एजेंडा आइटम्स है अब कैसी हो गई हैं, इंट्रीकेटली कॉन्वोल्यूटेड. अब एजेंडा आइटम्स, ये एजेंडा जो है वो नाउन है, ठीक है, और यहाँ पर ये एजेंडा आइटम्स मिलकर कंपाउंड नाउन फॉर्म कर रहे हैं, एजेंडा आइटम्स. ओके, या जो है एजेंडा एंड आइटम, ठीक है, ये दो नाउन्स हैं यहाँ पर. लेकिन इसको मॉडिफाई कौन सा एडजेक्टिव कर रहा है, ये है कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड. तो ये जो है ईडी से एंड हो रहा है, ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल कॉन्वोल्यूटेड. अब यहाँ पर कॉन्वोल्यूटेड बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इंट्रीकेटली मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में उलझा हुआ एजेंडा है. बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कशन होते हैं और क्लियर एक नहीं दिखता कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर डिस्कशंस होते हैं. बट दिस हैज़ बीन अकम्पनीड बाय द बर्जनिंग ऑफ एक्टिविस्ट ग्रुप्स. लेकिन अब ये तो यहाँ पर एक तो ये चेंज आया, लेकिन इसके साथ साथ एक और बदलाव आया, और वो है कि बर्जनिंग यानी कि इंक्रीज, तेज़ी से बढ़े हैं कौन कौन एक्टिविस्ट ग्रुप्स जो जो क्लाइमेट को लेकर जो है प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स बढ़े हैं. इंडिजिनस ग्रुप्स जो किसी एक जगह पर रहने वाले लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड हैं, ठीक है, वहाँ एक पर्टिकुलर जगह के रहने वाले लोग, तो उनके ग्रुप्स बढ़े हैं. बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस, कंसल्टेंसीज, ट्रेडर्स एंड अ वास्ट मीडिया प्रेजेंस, तो ये सब चीज़ें भी बढ़ी हैं और ये एक पॉजिटिव वे में कहा है, ऑथर ने इनको लिखा है. इट इज़ ऑन द वन हैंड फेयर टू कंक्लूड दैट दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, और यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है कि ये एक वेलकम डेवलपमेंट है. एंड ड्यू टू द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हाउ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाइड बाय सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, तो इसके साथ अब ये वेलकम स्टेप क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो कि क्या किस तरीके से ये लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता बढ़ रही है कि कैसे जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है, ये जो वर्ड है एंथ्रो, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज़ की कैसे डेवलपमेंट हुई, कल्चर की, तो एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो ये वहीं से एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि जो ह्यूमंस ने जो किया है, ह्यूमंस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी बात हो रही है. तो कैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है एम्पलीफाइड बाय सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, की क्लाइमेट चेंज वो बढ़ा कैसे, एम्पलीफाई करना किसी चीज़ को, बढ़ा देना किसी चीज़ के इफेक्ट को, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बढ़ा, और वो कई सौ साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ता गया, और उसकी वजह से अब इट पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. हम पोज डेंजर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, पोज थ्रेट के लिए, थ्रेट यानी कि सिमिलर मीनिंग कन्वे करें, यानी कि रिस्क बढ़ गए, तो पोजेस अ डेंजर. हम पोज क्वेश्चन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, पोजेस अ क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पोज वर्ड इन सब के साथ यूज़ किया जाता है, तो पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, हमारे अस्तित्व पे खतरा है, ठीक है. क्लाइमेट डिनाइलर्स, वॉसिफेरस एंड सिग्निफिकेंट इन पावर कॉरिडोर्स इवन अ डेकेड अगो आर नाउ रेलिगेटेड टू द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द डार्कनेट अलॉन्ग विद फ्लैट अर्थर्स एंड देयर रैंक्स फिल्ड बाय पावनस एंड द पिवटिंग मर्चेंट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल एरा हु सी अपॉर्चुनिटी इन द मेसियानिक एस्पाउजल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, अब थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस है, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसको देखो. क्लाइमेट डिनाइलिस्ट, डिनाइलिस्ट ये उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिनाई करते हैं वो, सो क्लाइमेट डिनाइलिस्ट हैं. वॉसिफेरस, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अपना जो ओपिनियन है वो रखते हो कहीं सामने, एक होता है आप जो है कॉन्फिडेंटली रखो, एक वॉसिफेरसली यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिवली आप अपने ओपिनियन रखते हो, तो वॉसिफेरस एंड सिग्निफिकेंट इन पावर, तो ये जो क्लाइमेट डिनाइलिस्ट से पहले बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियन को ऐसे स्ट्रांगली एग्रेसिवली रखते थे हर जगह, और बहुत ज़्यादा जो थे इम्पॉर्टेंट थे
कॉरिडोर्स ऑफ पावर का मतलब कि गवर्नमेंट के लेवल पर भी ये जो क्लाइमेट डिनाइलिस्ट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स पे थे, ठीक है, और एक डेकेड पहले तक, यानी 10 साल पहले तक, फिर चेंज आया। अब ये जो है आर नाउ, अभी आर किसके लिए यूज़ हुआ है, आर किसके लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो कि क्लाइमेट डिनाइलिस्ट, हमने पढ़ा ना क्लाइमेट डिनाइलिस्ट, अब कॉमा, फिर उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो क्लाइमेट डिनाइलिस्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं आर। तो क्लाइमेट डिनाइलिस्ट आर नाउ रेलिगेटेड टू द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द डार्कनेट। जब आप किसी को रेलिगेट करते हो आप उसको कम इम्पॉर्टेंट पोजिशन पर पहुँचा देते हो, ठीक है। तो अगर किसी को मान लो कि जो एक चीफ मिनिस्टर है वो किसी मिनिस्टर को हटाकर उससे पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, और फिर किसी और कोई स्मॉलर टास्क उनको दे देते हैं, तो क्या कहेंगे कि वो रेलिगेट कर दिया, यानी कि इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटाकर किसी अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन पर रख दिया। तो वो जो क्लाइमेट डिनाइलिस्ट थे अब वो ऑब्सक्योरिटी में जा रहे हैं, यानी उन्हें कोई नहीं जानता, ठीक है, कोई नहीं पहचानता, ऑब्सक्योरिटी कि जो ऐसी स्टेट जिसमें आपको कोई नहीं जानता, और ऑफ द डार्क नेट, यानी उनके बारे में अब कोई जो है उनको नहीं जानता, कोई कोशिश भी नहीं करता जानने की। डार्क नेट होता है इंटरनेट का वो पोर्शन जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता, वो पॉपुलर नहीं है, ओके, अलॉन्ग विथ फ्लैट अर्थर। तो फ्लैट अर्थर्स के साथ भी यही हुआ था, जो लोग नहीं मानते कि अर्थ जो है वो राउंड है, स्फीयर है, ठीक है, वो लोग भी अब जो है पॉपुलरिटी में नहीं है, और ये जो क्लाइमेट डिनाइलिस्ट है वो भी नहीं है। एंड दे रैंक्स फिल्ड बाय पार्वनस एंड द पिविटिंग मर्चेंट्स। अब यहाँ पर रैंक्स जो थी, उनकी जो पोजीशन थी, अब उनकी जगह किसने ली, रैंक मतलब उनकी जो पोजीशन थी वो किसने ली, पार्वनस। ये वर्ड आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं हर वर्ड हमें पढ़ना है जो हमें नहीं आता या याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉमनली आते हैं एग्जाम्स में। पार्वनस होगा कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, जिसका कोई ऐसा रिच बैकग्राउंड नहीं, उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा नहीं था, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, लेकिन उसने बहुत सक्सेस हासिल की और अब रिच हो गया है, ठीक है, या पावर हासिल कर लिया, तो उसको हम पावनस कहेंगे। तो पावनस एंड द पिविटिंग मर्चेंट्स, अब उनकी जगह ऐसे लोग आ गए हैं जो कि एक तो सेल्फ बिल्ट आप कह सकते हो, दूसरा यहाँ पर पिविटिंग, यानी पिविट करना होता है जब आप एकदम से ही बदल देते हो डायरेक्शन। तो पहले क्लाइमेट डिनाइलिस्ट मानते ही नहीं थे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन अब लोग जो पावर में वो पिविट कर रहे हैं, यानी कि अब उन्होंने वो डायरेक्शन ही बदल दिया है, और ऑफ द फॉसिल फ्यूल एरा, कि फॉसिल फ्यूल के टाइम पर जो थिंकिंग थी उसको बदल दिया है। हु सी, हु किसके लिए यूज़ हुआ है, इनके लिए यूज़ हुआ है, पिविटिंग मर्चेंट्स के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, पावनस एंड पिविटिंग मर्चेंट्स। तो ये मर्चेंट्स के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, हु, पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु, तो हु सी अपॉर्चुनिटी इन द मेसियानिक एस्पाउजल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इनको लगता है, इन मर्चेंट्स को, कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, तो उन्हें एक मौका दिखता है, दे सी एन अपॉर्चुनिटी इन द मेसियानिक, मसीहा होता है, ठीक है, MESIH, मसीहा, तो मेसियानिक मतलब मसीहा जैसा, यानी कि सेवियर जो हमें बचा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी हमें बचा सकती है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, प्रकोप से। तो मेसियानिक एस्पाउजल, एस्पाउज करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एस्पाउजल, एस्पाउज करना वर्ड, ठीक है, दैट मीन्स कि आप किसी कॉज को सपोर्ट करते हो, ठीक है, यू एस्पाउज एजुकेशन, ठीक है, आप कह सकते हो कि बेटर हेल्थ केयर, कोई भी आप एक कॉज है, कोई भी एक जो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं और आप उसको प्रमोट करते हैं। तो ये जो मसीहा है, सॉरी मसीहा नहीं, जो ये मर्चेंट्स हैं, ये किसको प्रमोट करें, रिन्यूएबल एनर्जी को। ओके, देयर इज नो कंट्री टुडे दैट विल नॉट पब्लिकली अफर्म इट्स फेथ इन द साइंटिफिक असेसमेंट। और आज के समय में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो कि पब्लिकली नहीं मानेगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी सब कंट्रीज मान रही हैं कि क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। अब कौन सा साइंटिफिक असेसमेंट, दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मस्ट बी कंटेन ड्रास्टिकली, सब कंट्रीज इससे एग्री करती हैं, मानती हैं, अफर्म होता है, डिक्लेयर करना कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना होगा, मस्ट बी कंटेन्ड, कंटेन होता है कि कंट्रोल करना, लिमिट करना होगा, ड्रास्टिकली। अब यहाँ पर ये जो है वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं एडवर्ब, ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली यानी कि अचानक से, तेज़ी से, और एक कहें कि ड्रामेटिक तरीके से, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें कम करना पड़ेगा। टू कैप द राइस, कैप होता है एक लिमिट लगा देना किसी चीज़ के ऊपर, कैप लगा देना, आप एक बॉटल के ऊपर कैप लगाते हो, ठीक है, तो कैप लगाना, कैप यानी लिमिट। तो टू कैप द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर जो
वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहे हैं, अगर उसे लिमिट करना है हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस को ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा। एंड येट, लेकिन फिर भी येट जो है वो कंट्रास्ट शो करता है। और यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट्स को पता है और सब ये मानते हैं कि एक हमें स्टेप लेना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, लेकिन फिर भी क्या होता है, इट हैज़ नेवर इंस्पायर्ड एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी टू कट फॉसिल फ्यूल यूज़। लेकिन फिर भी कोई भी कंट्रीज जो है वो अर्जेंसी नहीं शो कर रही, यानी कि वो इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको, इनके इनके इस्तेमाल को कम किया जाए, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो है ये एडजेक्टिवल एक जो है किसको, ये जो फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, फॉसिल फ्यूल को, ठीक है। फॉसिल फ्यूल यूज़ वो क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमने देख लिया, अब यह दैट इज that it has taken nearly 3 decades for COP to acknowledge this fact as laid out in the Dubai consensus suggests that political expediency and strategic second guessing has unfortunately weaponized even climate science. Ki that it has taken, matlab ki isko 30 saal lag gaye yahan tak hame pahunchne mein, ki ye manne mein conference of parties ko ye acknowledge karne kisi cheez ko manna इस फैक्ट को कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है, इस ग्लोबल टेम्परेचर्स को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करना है, तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करना होगा, इसको मानने में 30 साल लग गए। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होता है, आप कोई चीज़ आपको लगता है कि ये आपको फ़ायदा करेगी, आपको करते हो, भले ही वो सही हो या ना हो, भले ही वो किसी के लिए फेयर हो या ना हो, आप फिर भी वो करते हो, तो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। कंट्रीज जो है अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजिक सेकंड गैसिंग होता है, वैसे तो होता है कि आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि क्या होगा आगे, लेकिन एक और मीनिंग होता है कि आप क्रिटिसाइज़ करो किसी को, तो अपने जो राइवल कंट्रीज़ हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए वहाँ इन सब चीज़ों के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ होने लगा, ठीक है। तो इस तरह ये वेपनाइज हो गया प्लेटफॉर्म, जो है कई कंट्रीज़ ने इसको वेपनाइज़ किया, यानी कि अपने जो राइवल कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश भी की। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जो ये फैक्ट एज लेड आउट इन द दुबई कंसेंसस, लेड आउट व्हेन यू ले समथिंग आउट, तो यानी आप उसको क्लियरली रख देते हो सामने ताकि कोई भी पढ़ सके, समझ सके, देख सके। तो ये जो फैक्ट है ये क्लियरली मेंशनड है दुबई कंसेंसस में, जो अभी रिसेंटली दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर जो कंसेंसस हुआ, कंसेंसस जहाँ एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पर सब एग्री करते हैं, सब मानते हैं। तो ये जो दुबई के कंसेंसस में ये बात लिखी गई है और सब कंट्रीज़ ने एग्री किया है इस बात पे। अब यहाँ पर आप देखो कंसेंसस है, ठीक है, तो उसके साथ सजेस्ट क्यों है, एक तो कंसेंसस सिंगुलर है, ठीक है, कंसेंसस ये प्लूरल नहीं है। दूसरी चीज़, ये सजेस्ट कंसेंसस के लिए नहीं यूज़ किया, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट ये है that it has taken nearly 3 decades for conference of parties to acknowledge this fact. तो कि इस चीज़ को 30 साल लग गए ये सजेस्ट करता है, ठीक है, तो वर्ब ये इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ओके, चलो। सो दस कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एमिटेड कार्बन पॉइंट टू रिकॉर्ड टेम्परेचर्स एंड देयर लिंक्स टू राइजिंग emissions when arguing for reining in emissions from developing countries. तो क्या होता है कि जो कंट्रीज़ हैं, जो ऐसे देश हैं जो ज़्यादातर कार्बन जो एमिट किया है, जो ज़्यादातर कार्बन एटमॉस्फेयर में पहुंचाया है हमने, वो कुछ कंट्रीज़ है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि हमें कार्बन एमिशंस को कम करना पड़ेगा। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, लगाम लगाना, ठीक है। रेन REIN क्या होता है, रेन जो घोड़े की लगाम होती है, रेन करना यानी कि कंट्रोल करना, लिमिट करना। तो अगर हमें एमिशंस को लिमिट करना है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, लेकिन हाउएवर दे आर लोथ टू एक्सेप्ट दिस लिंक, लेकिन दे डिसलाइक इट वेरी स्ट्रांगली। लोथ होता है जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल नापसंद करते हो, तो सो दे लोथ टू एक्सेप्ट, वो ये नहीं मानना चाहते, दे लोथ टू एक्सेप्ट दिस लिंक कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की और जो कार्बन एमिशंस है उनके बीच के लिंक को मानने से मना कर देते। जब डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं और आइलैंड कंट्रीज़ कहते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए,
एज रिपेरेशंस। अब रिपेरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, बार बार आता है, तो एक आप इसको कम्पेंसेशन मान सकते हो। रिपेरेशंस मतलब कम्पेंसेशन कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के एक्शंस की वजह से क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज सफ़र कर रही है, तो उन कंट्रीज़ को फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए एज डैमेजेस या फिर एज कम्पेंसेशन, ओके, फॉर डिवेस्टेशंस। डिवेस्टेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्शंस ऑलरेडी रीक्ड बाय क्लाइमेट चेंज। रीक वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, ये रैक नहीं है, ठीक है। एक होता है रैक, रैक होता है जो बिल्कुल जैसे एक कार है जो चलने लायक हालत में नहीं है, मे बी 40-50 साल पुरानी कार है, बिल्कुल ख़राब हालत में, तो आप उसको कहोगे ये रैक है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डैमेज्ड है, रैक। लेकिन या डिस्ट्रॉयड है, लेकिन WREAK रीक इट्स डिफरेंट। ये रीक हैवॉक हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। हैवॉक भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा डैमेज, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रीक जो है इसके साथ आप ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करते हो जो डैमेज को शो करते हैं, रीक हैवॉक, रीक डिवेस्टेशन, रीक डिस्ट्रक्शन। तो ये जो रीक वर्ड है इसके साथ ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो रीक्ड बाय क्लाइमेट चेंज मतलब जो क्लाइमेट चेंज ने जो डैमेजेस किए हैं उसके लिए वो कंपेंसेशन मांग रहे हैं। द लॉस एंड डैमेज फंड विच रिसीव्ड कमिटमेंट्स वर्थ $750 million एंड देयरफॉर चीयर्ड एज अ COP28 सक्सेस हैज ओनली बीन अप्रूव्ड ऑन द कंडीशन दैट इट नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉम्पेंसेशन फॉर हिस्टोरिकल कार्बन पोल्यूशन। अब यहाँ पर यह है कि पहली बार ऐसा कोई फंड बना है और COP28 में ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, चीयर किया जा रहा है कि ये एक ये बहुत सक्सेसफुल है कि $750 million का एक फंड बना है, कमिटमेंट्स जो है कुछ कंट्रीज़ ने किए कि वो इतना पैसा प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ आप देखो, अब हैज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, सो द लॉस एंड डैमेज फंड कॉमा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में थी, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड के लिए यूज़ हुआ है और ये एक नाम है, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स आप देख रहे हो, द लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, तो ये नाम है उस फंड का। सो इसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर विच किसके लिए यूज़ हुआ है? विच भी इसके लिए यूज़ हुआ है, तो लॉस एंड डैमेज फंड, लेकिन यहाँ पर विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, विच, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जैसे कि फंड्स हैं तो उसके लिए विच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ आते हैं। हैज़ ओनली बीन अप्रूव्ड ऑन द कंडीशन, सिर्फ इस शर्त पे इसको मंजूरी दी गई कि जो देश है इसको ये नहीं मानेंगे कि ये जो है डैमेजेस या कहीं कंपेंसेशन दिया गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, तभी ये फंड्स मिलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। रिलेटेड टू दिस इज़ द लार्जर कंसर्न दैट COP मीटिंग्स आर डीम्ड एज हिस्टोरिक ओनली व्हेन दे इंसर्ट न्यू वर्ब फ्रेजेस। अब इसके साथ साथ एक और इशू भी है कि एक चिंताजनक बात यह है कि COP जो ये मीटिंग्स हो रही हैं इनको तभी हिस्टोरिक यानी कि इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी ऐसा कि जिसे आगे बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा, तो उसको तभी हिस्टोरिक माना जाता है। डीम यानी मानना, ठीक है, कंसिडर करना किसी चीज़ को, तो इनको हिस्टोरिक तभी माना जाता है, तभी कंसिडर किया जाता है जब ओनली व्हेन न्यू वर्ब फ्रेजेस आर एडेड, नए नए वर्ब के फ्रेजेस जोड़े जाते हैं इनके डिक्लेरेशन में, तभी इनको हिस्टोरिक माना जाता है। जैसे कि फेज़ आउट करना, फेज़ आउट होता है धीरे धीरे कम करना किसी एक प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे किसी चीज़ को कम किया जाता है, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स हैं उन्हें फेज़ डाउन करना, ठीक है, ये डिफरेंट वर्ड फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है, ट्रांजिशन, शिफ्ट करना। तो जब नए नए ये वर्ब फ्रेजेस या फिर वर्ब्स यूज़ किए जाती हैं तभी उन्हें हिस्टोरिक माना जाता है। ऑन कटिंग एमिशन्स बट आर बेनर, उन्हें हिस्टोरिक तो माना जाता है कि उन्होंने ये डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं कि हम शिफ्ट करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज, ये जो ग्रीन हाउस के एमिशन्स हैं उन्हें फेज़ डाउन करेंगे, उन्हें फेज़ आउट करेंगे, उन्हें ट्रांजिशन करेंगे, लेकिन होता क्या है असल में? बट आर बेनर, बेनर वर्ड हमें पता होना चाहिए, ये कि जो बार बार रिपीट किया जाए, इतनी बार रिपीट किया जाए कि उसके इफ़ेक्टिवनेस ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बेनर। तो दे आर बेनर कि हर बार सेम कमिटमेंट्स होते हैं लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता। बेनर व्हेन दे कंसिडर हाउ लिटिल मनी एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन चैनल्ड फॉर फॉसिल फ्यूल डी एडिक्शन, कि अगर हम ये देखें, फैक्ट देखें, ये तो प्रोमिसज होते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो हाउ लिटिल मनी, अब यहाँ पर आप देखो ये लिटिल मनी नहीं है कि मतलब लिटिल मनी का मतलब क्या होगा, स्मॉल मनी, हाउ लिटिल यानी कितना कम पैसा, ठीक है, कंसिडर हाउ लिटिल मनी कि कितना कम पैसा जो है और टेक्नोलॉजी जो है वो
इस काम के लिए यूज़ किए गए, प्रॉमिस किया जाता है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, बहुत कम ही एक्शन लिए गए हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल डी एडिक्शन मतलब ताकि हम शिफ्ट करें फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे। इट इज़ टाइम दैट फ्यूचर मैसेजेस यूज़ दी साइंस टू प्रमोट जस्टिस एंड इक्विटी एंड स्ट्रेंथन फेथ इन वॉट इज़ नाउ वन ऑफ द फ्यू वर्किंग मल्टीलेटरल प्रोसेस। अब यहाँ पर है कि अब ये समय आ चुका है कि फ्यूचर मीटिंग्स, आने वाली जो मीटिंग्स होंगी वो साइंस को यूज़ करें, किस लिए इस्तेमाल करें, टू प्रमोट जस्टिस एंड इक्विटी। जस्टिस न्याय होता है, इक्विटी होता है कि बराबर जो है एक सेम लेवल पर कंट्रीज़ को रखा जाए। तो आने वाले समय में ये सजेशन दिया जा रहा है कि इक्विटी और जस्टिस को प्रमोट किया जाए, और फेथ जो है भरोसा किस चीज़ में, इन व्हाट इज़ नाउ वन ऑफ द, और इस पे भरोसा जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए CUP में। क्यों? क्योंकि ये उनमें से, इट इज़ नाउ वन ऑफ द फ्यू वर्किंग मल्टीलेटरल प्रोसेसेस जो दुनिया में, इतने सारे कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो ऐसा बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं और वो आगे प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, भले ही स्लो हो रही है, कम हो रही है, पर प्रोग्रेस हो रही है, तो इसलिए इसमें भरोसा बढ़ाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखोगे द फ्यू है, ठीक है, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, एंड फ्यू। तो फ्यू क्या होता है? कुछ, कि कुछ लोग आए थे। अब आप कहोगे कि फ्यू तो तब यूज़ करते हैं जब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम लोग आए, उससे कम है कोई चीज़। ठीक है, अ फ्यू मतलब कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ होगा वहाँ पे, बट कुछ लोग थे, कुछ जो चीज़ें थी। एंड द फ्यू मतलब जो जितने थे उतने ही। तो जितने भी वर्किंग मल्टीलेटरल प्रोसेसेस हैं वर्ल्ड में, उनमें से कुछ ही है, उनमें से एक है ये CUP, और उसे हमें स्ट्रेंथन करना है। तो ये आज का पैसेज था। ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा लंबा पैसेज था, लंबा ट्यूटोरियल था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी, बट हमने इसको समझ लिया, काफ़ी सारे नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है हमने वो सीखे। अब यहाँ पर है ऑब्सक्योरिटी, एक वर्ड था, उसका हमें सिमिलर मीनिंग फाइंड करना है। तो ऑब्सक्योरिटी, जब कोई चीज़ हमें, हम नहीं पहचानते, यानी कि वो अब जो है ऐसी जगह पर कोई पहुँच गया, ऑब्सक्योर हो गया है, यानी कि अब उसे कोई पहचानता नहीं है। ठीक है, तो भूल गए हैं लोग, तो अब वहाँ उससे सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो वो है लिम्बो। लिम्बो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आप जो है, आपको कोई पहचानता नहीं है, आप एक ऐसी स्टेट में हो जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, कोई और आपको अप्रोच नहीं कर रहा, लिम्बो। तो दैट इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू ऑब्सक्योरिटी इन सब ऑप्शंस में से, क्योंकि एनोमली तो होता है कि जो ट्रेंड से हट कर रहे, ठीक है, अलग है बिल्कुल, तो वो नहीं है। लेवी होता है एक टैक्स, टैक्स यानी लेवी एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है, लेवी टैक्स होता है, और टैक्स लगाने को भी लेवी कहते हैं, तो वो नहीं है। डिप्रेविटी होता है मॉरल करप्शन। ठीक है, कि मॉरली आप इमोरल एक्ट्स करो तो डिप्रेवेशन कहा जाएगा, डिप्रेविटी सॉरी। एंड एट्रोसिटी क्या होती है? जब आप बहुत ज़्यादा वायलेंट क्रूअल एक्ट्स करते हो उसको आप जो है कहोगे एट्रोसिटीज है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, लिम्बो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज है वो यहाँ पर मैंशनड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्विक रेफरेंस के लिए। ठीक है, बाकी जो मंथली PDF है वो भी अवेलेबल होगी, तो जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आए हैं एडिटोरियल्स में उस मंथ में वो वहाँ पर है, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।